नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको किलोवाट और वाट और वी इन टू आई क्या होता है उसके बारे में आपको फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों बताऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख के बता देता हूँ आपको, और इसके डीप नॉलेज के लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। तो चलते हैं हम अपने वॉट और वोल्ट पे। तो देखिए, मेन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आपका कोई वायर है, करंट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके प्रवाह के लिए यानी उसको चलने के लिए एक मार्ग चाहिए होता है, जो क्या देता है, वायर देता है। और कई बार ये क्वेश्चन बहस का कारण बना हुआ है कि सबसे बढ़िया जो पदार्थ होता है यानी सबसे बढ़िया वायर किस पदार्थ का बना होता है। तो आप कई लोग कहते हैं कॉपर, कई लोग कहते हैं गोल्ड, कई लोग सिल्वर भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा जो पदार्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो आपका होता है गोल्ड। आप कितने लोग बोलेंगे कैसे, तो मैं वो भी बताता हूँ। क्या होता है कि गोल्ड की जो एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिकल करंट को प्रवाह कराने की, वो सबसे ज़्यादा होती है। बट क्या होता है कि गोल्ड बहुत जल्दी पिघल जाता है, करंट थोड़ा भी ज़्यादा हो मैक्स रेटेड से तो तुरंत पिघल जाता है, जिसकी वजह से सोना, आप देखते हो कि सुनहरे कलर का एक सोना जो होता है उसका क्या होता है कि करंट प्रवाह कराता है, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज चाहे जितना हो पर करंट अगर बढ़ता है घटता है तो ये गोल्ड पिघल जाता है, जिसकी वजह से इसको हम एक आइडियल पदार्थ के रूप में नहीं ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए। तो इसलिए सेकंड आता है सिल्वर। सिल्वर जो होता है क्या होता है कि इसकी एफिशिएंसी करंट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद इसका जो अगर करंट बढ़ने पे जानते हो आपकी हीटनेस बढ़ती है तो ये पिघलता भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं होता है, और दूसरे गोल्ड के मुकाबले सस्ता भी है। ठीक है, गोल्ड तो महंगा भी है, इस वजह से भी इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है, पर गोल्ड क्या है सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और फिर अगर सिल्वर का देखा जाए तो सिल्वर भी महंगा है। थर्ड क्या आता है, कॉपर। कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका सिल्वर के मुकाबले थोड़ा कम होता है, पर क्या होता है कि इसमें आपका सस्ता होता है। एक करीब सिल्वर से आपका 20-30 गुना भी सस्ता हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसे आइडियल रूप में प्रयोग करते हैं और कॉपर को एक अच्छा सुचालक मानते हैं। पर उससे अच्छा सुचालक हम सिल्वर को ही मानते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सिल्वर सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो सिल्वर है। ठीक है, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक है, और गोल्ड क्या है सबसे फर्स्ट है, पर इसको हम आइडियल रूप में नहीं लेते हैं इसलिए गोल्ड को बाहर ही कर देते हैं गेट से। तो अब बात थर्ड आता है कॉपर, और कॉपर को भी हम उतना आइडियली नहीं लेते हैं। हमें कहीं पंखे का कोई वाइंडिंग करना हो तो हम कॉपर को लेते हैं, पर उससे भी सस्ता एक और पदार्थ होता है, धातु होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किया जाता है। 5 से 6 साल बाद कॉपर जो होता है उसमें एक दोष आ जाता है, जिसकी वजह से कलर उसका काला हो जाता है। वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपना कलर जो है बिगाड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो एल्यूमिनियम की एक खासियत होती है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में कभी दोष उत्पन्न नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर बालू कागज या कोई फाइल से उसको फाइलिंग कर दोगे तो उसका कलर फिर से चमकता हुआ एल्यूमिनियम जैसा हो जाता है। तो एल्यूमिनियम को हम ओवरहेड लाइनों में सबसे बेस्ट मानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि देखिए, सीधा सीधा इन वायरों को ओवरहेड लाइन हो या फिर हमारे घर का लोड हो, इनमें सीधा सीधा वो हमारे किलोवाट को यानी हमारे लोड के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट डालते हैं, इसलिए मायने रखते हैं ये वायर, इसलिए मैंने आपको ये बताया। सबसे देखिए, जितना हमारे घरों में लोड नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा आपके वायर रेजिस्टेंस के रूप में हमारे वाटेज ले लेते हैं, यानी हमारे लिए लोड का काम करते हैं और हमारे लिए हानि भी बढ़ाते हैं, यानी उनसे हमने आउटपुट कुछ नहीं लिया पर हमारा इनपुट गया। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर से बस वायर की मोटाई घटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो 11 kV को जो जनरेट पॉइंट है वहाँ से 11 kV को स्टेप अप करके आपका क्या कर देता है, 400 kV या फिर
132 के भी या फिर उससे भी ज़्यादा जितना दूर ले जाना हो, तो 400 के भी करने के बाद ये स्टेप अप हो जाता है, यानी करंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वोल्टेज हाई हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वायर आपको एक सामान्य जो वायर होता है डाय वाला, यानी इसका डायगोनल एरिया जो होता है वो ही निम्न नहीं रखना पड़ता है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का पारेषण यानी ट्रांसमिशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं बात करूंगा, सीधे पॉइंट पे आता हूं, किलोवाट और वाट पे। कई सारे वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया ही है। तो अभी देखिए, वाट एक व्युत्पन्न मात्रक है, यानी एक बेस मार्क नहीं है। जैसे आप एम्पियर को ले लो, एम्पियर क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये आपका ISI के साथ मूल मात्रकों में आता है एम्पियर। पर वाट क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, यानी ये वोल्टेज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी में रहिए, वी इंटू आई को हम क्या करते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है ना, ये लोड आता है, ठीक है। और किलोवाट जैसे ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, वैसे क्या होता है, वाट और किलोवाट होता है। जैसे ग्राम आप जानते हो कि घरों में कुछ भी हम लेने जाते हैं तो ग्राम से फिर किस में आ जाते हैं, किलोग्राम में होते हैं, केजी। और उसी प्रकार जब आप वाट को लेते हो तो वाट को हम अगर बड़ी सूरत में लें तो किलोवाट हो जाता है, किलोवाट, जिसको के डब्ल्यू से दिखाते हैं। अगर इससे ऊपर जाओगे तो मेगावाट, उससे भी ऊपर जाने के लिए आपको MVA बहुत सारे होते हैं। तो अभी आपको किलोवाट तक मैं समझा देता हूँ कि वाट और किलोवाट। वाट जो होता है वी इंटू आई से बना होता है, और किलोवाट भी आपका किससे बना होता है, वी इंटू आई से, पर एक KV यानी किलो वोल्ट और किलो एम्पियर से बनता क्या है, किलोवोल्ट होता है, किलोवाट बनता है, यानी किलोवाट आपका इसी का एक बड़ा है। जैसे ग्राम को KG, वैसे वाट को किलोवाट भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे आप वाट, पिछले के वीडियो में मैंने आपको वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना और किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। उसके बारे में कोई भी ऐसा फार्मूला जो ना समझ आ रहा तो कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप आने वाली वीडियो में मुझे देखना चाहते हैं सामने, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर गेन करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आने वाली वीडियो में बहुत सारी रोचक बातों को आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। We'll be right back.